विलन का काम करूंगा तो लोग भर भर के गालियां निकालें मेरे ऊपर पंद्रह साल का कॉमेडी का बैगेज है सबसे पहले तो थैंक यू बहुत ही कमाल का, का काम किया आपने हर कोई प्यार ही प्यार दे रहा है आपको क्या कहना चाहेंगे क्या आपने सोचा था कि आप एक हंसते खिलाते जो एक अलग अंदाज में आए हैं लोगों को इतना पसंद आएगा मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि जो इतना प्यार लोग दे रहे हैं इतनी तारीफें कर रहे हैं मुझे पहले लगता था कि जिस दिन लोग मैं विलन का काम करूंगा तो लोग भर भर के गालियां निकालें अगर आपको गालियां बहुत मिलेंगी ना तो ऐसे लगा कि आपने अच्छा काम किया है अब समझ में नहीं आ रहा कि लोग तारीफें कर रहे हैं तो मैंने सच में अच्छा काम किया जस्ट किडिंग मुझे मतलब ऐसा लगता होता है कि जब आप कोई नेगेटिव किरदार करते हो तो इस तरह से करना चाहिए कि लोगों को आप पे गुस्सा आए लोगों को आप पे नफ़रत आए पर मुझे लगता है प्यार शायद इसलिए आ रहा है लोगों को मेरे पे क्योंकि कॉमेडी करते हुए लोगों ने हमें पंद्रह साल से देखा है अब अचानक जब वो एक वो कहते हैं ना कि एक जो खॉल होता है जिसको आप तोड़ के बाहर निकलते हो और कॉमेडी के अलावा कुछ और लगता है तो लोगों के लिए ना एक शॉक वैल्यू होती है और जब जो शॉक वैल्यू है मुझे लग रहा है उनकी सरप्राइज़ वैल्यू शॉक वैल्यू प्यार में तब्दील हो रही है कि अरे राजीव ये भी कर सकता है सो आई डोंट नो बट उनको शौक लगा होगा लेकिन मुझे तो इतना शौक था बचपन से कि मैं ऐसे ही करेक्टर करूं क्योंकि जब हम थिएटर किया करते थे कॉलेज में तो जो कॉलेज के दिनों से मुझे लोग जानते हैं उनको पता है कि राजीव जो इंटेंस रोल है वो ज़्यादा अच्छे करता है तो आज मौका मिला ऑल थैंक्स टू मुकेश छाबड़ा एंड कोर्स अनुभव सिन्हा सर कि जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मेरे ऊपर पंद्रह साल का कॉमेडी का बैगेज है और अगर वो ऐसा ख़तरनाक नेगेटिव रोल दे रहे हैं तो वो जो डाउट होता है कि इसकी शक्ल देख के हंसी तो नहीं आ जाएगी तो आई थिंक के आई एम रियली रियली थैंकफुल टू दो पीपल